हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलोग आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फरवरी महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं उनके बारे में ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो फरवरी महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इशू की हैं जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो एडवर्टाइजमेंट है एक पोस्ट की जो सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बनाया है गवर्नमेंट ने उसने ये इंस्ट्रक्शन इशू की है इसमें ड्रोन्स के जो को पायलट होते हैं ड्रोन उड़ाना जिनको आता है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बी टेक है किसी भी फील्ड में और जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ ड्रोन उड़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये देख सकते हैं आप दस वैकेंसीज हैं टोटल इसके लिए सी आर आई डी का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसी पर अप्लाई किया जा सकता है इससे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो भी इसी डिपार्टमेंट की है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और इसमें भी ड्रोन से रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट की गई है पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट है जो टीम लीड सर्वे फॉर आर के लिए है इसमें भी इंजीनियरिंग ही क्वालिफिकेशन है और तीन साल के लिए एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने इसके लिए भी अप्लाई सी आर पोर्टल पर ही किया जा सकता है तो अगर किसी को ड्रोन उड़ाना आता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं तीन साल के लिए इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जीआईएस से रिलेटेड है ये इंस्ट्रक्शंस इशू होती रहती हैं टाइम बाय टाइम गवर्नमेंट के द्वारा जी के फॉर्म वन और फॉर्म टू से रिलेटेड हैं ये इंस्ट्रक्शंस अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई नया एम्प्लॉई ज्वाइन करता है तो फॉर्म वन में उस डिपार्टमेंट को इन्फॉमेसन देनी होती है गवर्नमेंट को अगर किसी एम्प्लॉई की प्रमोशन हो जाती है ग्रुप सी से ग्रुप बी में या फिर ग्रुप बी से ग्रूप ए में मतलब मीन्स ग्रुप चेंज होता है उस एम्प्लॉई का तो फॉम टू में उसकी इन्फॉमेसन दे देनी होती है गवर्नमेंट को लेकिन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये इंफॉर्मेशन भेजी नहीं जाती उसके लिए बार बार ये इंस्ट्रक्शन ईशू करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को तो अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉई है जिसकी प्रमोशन हुई है या जिसने नया ज्वाइन किया है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं फॉर्म वन एंड फॉर्म टू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये फॉर्म वन एंड फॉर्म टू हैं अगर किसी को इनकी ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करके या फिर ईमेल करके बता सकता है ये फॉर्म वन फॉर्म में जो भी नया एम्प्लॉई ज्वाइन करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी और फॉर्म टू है प्रमोटीज़ के लिए अगर किसी एम्प्लॉई की प्रमोशन होती है तो उसके लिए फॉर्म टू है तो इसमें इन्फॉर्मेशन भेजें गवर्नमेंट को ताकि जी का जो पेमेंट होती है रिटायरमेंट के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फ्रेश रिक्विजिशन से रिलेटेड है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो रिक्विजिशन की गई थी उनको विद्रॉ कर लिया गया था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लागू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसके कारण ये पोस्ट विद्रॉ कर ली गई थी तो उन पोस्ट्स के लिए उन सभी डिपार्टमेंट्स को दोबारा से रिक्विजिशन सेंड करनी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आजकल जो रिक्वेजेशन है वो भी ऑनलाइन पोर्टल पर ही भेजी जाती है उसके लिए लिंक भी दिया है इन्होंने ये विड्रोल नोटिस है जो साथ में लगाया है इन इंस्ट्रक्शन के इसके बाद उन पोस्ट की लिस्ट है जो विड्रो कर ली गई थी तो इन पोस्ट के लिए दोबारा से रिक्वेजेशन मांगी गई है मीन्स एक बार रिक्वजेशन सेंड करने के बाद ये पोस्ट निकलेंगी ये आप देख सकते हैं जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए काम की इंस्ट्रक्शन है एक बार रिक्विजेशन सेंड करने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा इनकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी ये आप देख सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है सिटीजन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये एडवर्टाइजमेंट की गई है अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं ए ऑफिस में ये अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एम कॉम है कॉमर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और पाँच साल का एक्सपीरियंस ग्यारह पोस्ट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्स में ये आप देख सकते हैं तो अगर कोई अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो सी आर आई डी के पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो ए सी एस के सिग्नेचर से रिलेटेड है कई बार ऐसा होता है कि कई डिपार्टमेंट में जब कोई लेटर भेजा जाता है तो उस पर कंपीटेंट अथॉरिटी के साइन की डिमांड करते हैं डिपार्टमेंट्स लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि एक बार अगर नोटिंग सीट पे अप्रूवल ले ली जाए कंपिटेंट अथॉरिटी की तो उसके बाद जो लेटर है वो सुप्रीटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी कोई भी इशू कर सकता है उसके ऊपर ए या फिर किसी भी कम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन की जरूरत नहीं है अगर चीफ मिनिस्टर से भी कोई नोटिंग अप्रूव हो चुकी है तो उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर के साइन की जरूरत नहीं है कोई भी कम्पिटेंट जो ऑफिसर है उससे बिलो रैंक का वो लेटर जारी कर सकता है लेकिन उस लेटर के लास्ट में ये लाइन लिखी होनी चाहिए दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ़ द कम्पिटेंट अथॉरिटी तो ये इंस्ट्रक्शन है वो ऑफिसर्स के सिग्नेचर से रिलेटेड है इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो है ग्रुप डी की वैकेंसीज से रिलेटेड ग्रुप डी की जो भर्ती की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा उसमें अब भी कई पोस्ट वैकेंट हैं क्योंकि कुछ एम्प्लॉज़ नौकरी छोड़ चुके हैं किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया था तो अब गवर्नमेंट ने दोबारा से डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी है ऐसी वैकेंसीज़ की ग्रुप डी की जिन पे किसी ने ज्वाइन नहीं किया या फिर किसी ने नौकरी छोड़ दी तो जो भी पोस्ट वैकेंट होंगी उनको वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स के द्वारा भरा जाएगा ग्रुप डी में जो अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस काम की हैं डिपार्टमेंट से एक बार इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद जो वेटिंग लिस्ट के एम्प्लॉय हैं ग्रुप डी के उन एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है ए से रिलेटेड ये मैटर काफी टाइम से चल रहा था जो भी नगर निगम के मेयर हैं पार्षद हैं वो डिमांड करते थे कि ऑफिसर्स उनकी बात मानते नहीं हैं इसलिए उनकी ए लिखने की परमिशन दी जाए तो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया है जो इसका एक्ट था और अब जो जिला परिषद के सीईओ हैं और नगर निगम के कमिश्नर हैं उन, उनके ए में कमेंट होंगे नगर निगम के जो भी मेयर या फिर पार्षद हैं उनके ये दो इंस्ट्रक्शन हैं एक जो जिला परिषद के सीईओ हैं उनसे रिलेटेड है दूसरी जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनसे रिलेटेड है ये आप देख सकते हैं इन ऑफिसर्स का जो ए या फिर पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट लिखने का प्रोसेस था उसमें गवर्नमेंट ने रिपोर्टिंग अथॉरिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ साथ लिखा है इन कंसल्टेशन विद प्रेजिडेंट जिला परिषद एंड डिप्टी कमिश्नर अब इनकी जो एशिया जाएगी उसमें ज़िला परिषद का जो प्रेजिडेंट होगा उसकी कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी उससे कंसल्ट किए बिना एशिया नहीं भेजी जा सकती इसी तरीके से जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनकी जो एशियार लिखी जाएगी वो भी मेयर की कंसल्टेशन के साथ लिखी जाएगी यहाँ पर इन ऑफिसर्स की भी जो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट हैं उसमें जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है लेकिन वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ और मेयर है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उनके कंसल्टेशन में ही इनकी पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट भेजेगा तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये फरवरी महीने की सभी इंस्ट्रक्शंस थी जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और इंस्ट्रक्शन काम की है तो आप कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें ये ऑफिस वीलोग रेट जी मेल डॉट कॉम पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद